आज की आप बात कर रहे हैं गुर्जर समाज की, वो और हम लोग काफी लंबे समय से इस देश के अंदर बड़े प्यार से रह रहे थे, लेकिन ये चीजें अभी आप देख रहे हैं कि अभी केवल 2-3 साल पहले ही बढ़ चढ़ कर सामने आई है। एक बहुत ईमानदारी से सवाल पूछना चाहता हूँ सम्राट, मेरे भोज को जो है गुर्जर समाज अपना पूर्वज बता रहा है, ठाकुर समाज भी जो है उनको अपना पूर्वज मानता है, सत्यता क्या है? देखिए भाई साहब, ये बात मैं आपको आपसे पहले बहुत सारे लोगों को बता चुका हूँ। आज उनकी पीढ़ी में जो उनके 44वें वंशज हैं नागौर रियासत के आज भी स्थापित हैं, उन्होंने मीडिया के सामने आकर बहुत कुछ बोल दिया है। इसके बावजूद अगर गुर्जर समाज किसी भी तरीके से उनको ब्लेम करता है, ये कहता है कि हमारे हैं, तो फिर तो कोई औचित्य नहीं है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पिताजी का नाम ये है और मैं उनका बेटा हूँ, अगर उसके बाद भी कोई मानने को तैयार नहीं है, फिर तो आप कैसे भी कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते। और रही बात इस चीज की, आप ये चीज समझे, इस लोकतंत्र में, लोकतंत्र से पहले जो भी आज हम जातियों में जब बात करते हैं तो उसकी कैटेगरी बनी हुई है, जनरल ओबीसी एससी एसटी, ये तो हमने नहीं बनाई, तो सरकार ने बनाई। तो सरकार ने जिसे जनरल ने स्थान दिया उसके गुणों के हिसाब से दिया होगा, या उसके बलिदान के हिसाब से दिया होगा, या उसमें कुछ क्वालिटी होगी उसके हिसाब से दिया होगा। जिसे ओबीसी ने स्थान दिया है उसकी जो भी स्थिति प्रतिष्ठा उस टाइम रही होगी, चाहे आप ये कह लो कि आर्थिक कह लो, सामाजिक कह लो, उसे ओबीसी में दिया है, एससी एससी को दिया है। तो हम तो कहीं तक ये बात आप मतलब स्वीकार कर लें, हमने आज तक इस देश को सिर्फ दिया है, लिया कुछ नहीं है। अगर आरक्षण की बात करें, सरकार ने खुश करने के लिए 1-10% का कोई आरक्षण हमें दिया है, लेकिन हमने वो मांगे नहीं है, सरकार ने अपनी तरफ से हमें दिया है, हमने कभी आरक्षण की कभी कोई मांग की ही नहीं है। तो ये मैं बिल्कुल पूरी ईमानदारी से कह सकता हूँ कि हमारे पास एक वंशावली है, हमारे पास शिलालेख है, हमारे पास भूखंड है, हमारे पास इस देश को दान दी हुई जो रियासतें हैं, जो गजट सरकार के पास आज भी रखे हैं, जो दान दी हुए हैं, आप उन्हें पता करवा लीजिए, निष्पक्ष जांच करवा लीजिए, ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कौन किसका वंशज है, कौन कहां से आया है, किसकी कहां से उत्पत्ति है। चलिए मानते हैं कि जो सरकार इसका लाभ ले, सरकार का पार्टी इसका लाभ ले सकती है, लेकिन कोई बिरादरी कोई पूर्वज के अगर मानता है तो उसका उससे क्या लाभ होगा? नहीं, हम तो हमने तो ये बात कही है, आप ये देखिए, आप इस बात को यहां से समझिए, पूरे भारत के अंदर कई हजार प्रतिमाएं हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की लगी हुई है, लाखों प्रतिमाएं सम्राट पृथ्वीराज चौहान की लगी हुई है, लाखों प्रतिमाएं अनंतपाल तोमर जी की लगी हुई है, लेकिन कहीं पर भी उनके साथ जाति सूचक शब्द नहीं लगा है। क्योंकि देखिए, जब हम किसी भी महापुरुष को, ये तो आप तो पुरानी बात कर रहे हैं, मैं अभी इसी समय की बात करता हूं, जब हमारे दादा परदादा रहे होंगे, जब भगत सिंह पैदा हुए देश के लिए लड़े, सरदारों के लिए उन्होंने लड़े, आज उन्हें 36 कौम पूजती है, मानती है, लेकिन जिस दिन सरदार ये कह देगा कि भगत सिंह हमारे हैं केवल हम पूजेंगे, तो उनका इससे कद घटेगा, बढ़ेगा नहीं। पंडित चंद्रशेखर आजाद है, पंडित है, लेकिन उन्हें सब मानते हैं, वो सबके आइडियल है। अगर पंडित जिस दिन कहने लग जाएंगे नहीं चंद्रशेखर आजाद हमारे हैं और कोई पूजेगा नहीं, तो इससे उनका अनादर होता है, उनका अनादर बढ़ता नहीं है, उनका स्वाभिमान नहीं बढ़ता है, उसको उनका स्वाभिमान नहीं बढ़ता है। हम तो चाहते हैं कि सब पूजें, लेकिन महापुरुष की कोई जाति नहीं होती। जिसने देश के लिए बलिदान दिया है उसने केवल जाति के लिए बलिदान नहीं दिया है। आप क्यों जाति सूचक शब्द लगाए? क्योंकि कहीं ना कहीं जब से ये सोशल मीडिया चली है ना सर, सोशल मीडिया पर हर आदमी अपने नाम जाके ठाकुर राणा चौहान सिंह ये लगाता है, तो कहीं ना कहीं हर आदमी अपनी एक पहचान बताता है। कैसी पहचान? भाई मैं राणा का वंशज हूँ, भाई मैं पृथ्वीराज चौहान का वंशज हूँ, भाई मैं अनुपाल तोमर जी का वंशज हूँ, मैं सम्राट मयूर भोज जी का वंशज हूँ। तो ऐसे लोगों को लगा कि भाई हमें भी कहीं ना कहीं अपने वंशजों की जरूरत है, और कहीं ना कहीं उन्होंने खोजने की कोशिश करी, खोजा भी है उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने गलत जगह जाकर टारगेट कर लिया। क्योंकि देखो, ठाकुर समाज स्वाभिमानी कौम है, मैंने आपको पहले ही बताया है, जब बात स्वाभिमान की आएगी तो हर चीज का तिरस्कार कर देंगे हम, स्वाभिमान को नहीं छोड़ सकते।